अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की खुशियों के साथ आपके प्रोग्राम आज की शाम में हुमा मीर आपके सामने। आपको पता है कि आज हम आपको किससे मिलवा रहे हैं? हम मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत टैलेंटेड फनकारा से। ये हैं गुलबहार बानो। गुलबहार, आपको ईद मुबारक। हम आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी? मैं ठीक हूँ। कितने अरसे बाद मेरे ख्याल में मिले हैं हम लोग। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि इस मरतबा आपने ईद की बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। मेरे ख्याल में सादगी के साथ। सादगी से ईद में आती है? जी बिल्कुल। गुजरगाह वफा को दीद के काबिल बना डाला, गुजर गया है वफा को दीद के काबिल बना डाला, चले क्योंकि वक्त के साथ फैशन बदलता है और लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं। मसलन ये कि लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, चांद रात पे चूड़ियां पहनने जाती हैं। ये मैंने चांद रात पे जाके पहनी थी। अच्छा। हाँ, वैसे ही कि अगर शॉपिंग कंप्लीट भी हो जाए फिर भी दिल चाहता है कि चांद रात पे बाहर जाए, घूमे फिरे, शहर की रौनक देखें। दिया जलाऊं, राह दिखाऊं, पहरों गीत सुनाऊं, पहरों गीत सुनाऊं, आ जाओ तो गुलबहार, ये तो बातें थी कुछ ईद के हवाले से, अब थोड़ी बातें आपकी गायकी के हवाले से करते हैं। आप एक अरसा दराज से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपने बाकायदे किसी से तरबियत हासिल की है? जी, मेरे उस्ताद मोहम्मद अफसल खान से मैंने सीखा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, सीखते ही रहते हैं हमेशा, समंदर है जिसको कहना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताती चली जाऊं कि ये आज की शाम जो गीत है इसके चंद बोल मेरी गजल, पॉपुलर गजल की है।
आज की शाम तेरे नाम। बिल्कुल, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सुन के भी, और इसमें आज की शाम का नाम जब सुना तो मैं बहुत खुश हूँ। गुलबहार, आज की शाम ही नहीं बल्कि आपकी तो बहुत सारी गजलें ऐसी हैं जो आवाम में बेहद मकबूल हैं, और मैं ये कहूँ कि वो जबा जबे आम हैं, है ना? नाज़रीन, गुलबहार बानो के साथ कुछ बातें आपने सुनी, गुलबहार के गीत अच्छे अच्छे सुने, और ईद के इन बहुत सारी खुशियों के साथ अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज़।